तरह से गणित और विज्ञान के पाठ्यक्रम में जिंदगी का कक्कर लगाया जाए। नमस्कार, दशहरे के इस पावन अवसर पर 30-30 स्टेम में आपका हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं कि आपने अपने अंदर के जो रावण है उसको मार दिया होगा या फिर आज शाम को जला देंगे उसको। और इनफैक्ट हमें आज सुबह सुबह एक बहुत बढ़िया रावण का माचिस से बना हुआ रावण किसी ने भेजा, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये गौरी और कुंश दो स्टूडेंट्स ने ये हमें भेजा और सुबह सुबह ये भेजा तो बहुत ही अच्छा लगा ये दो इमेज देख के। तो इस बार हम एक्चुअली ये देख भी रहे थे कि ये एपिसोड करें या ना करें, पर फिर ऐसा लगा कि इस बार का मेला जो है वो तो भरेगा नहीं, तो आप लोगों के साथ कार्ड और उसके पीछे की गणित है वो डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये बालों वाला मनीष जैन आज कैसे आ गया, तो उसके लिए हम आपको फिर से एक बार एक फीडबैक हमें मिला था पिछली बार, वो दिखा देते हैं। रोहिणी जाधव जो बोल रही हैं कि वी आर गुड स्टूडेंट ऑफ योर्स, यू टेक रेस्ट, तो इस बात को रोहिणी मैडम की जो ये बात थी उसको हमने दिल पे ले लिया और मनीष सर को हमने रेस्ट दे दिया और मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। एक्चुअली रीज़न ये भी है कि पिछले दो महीने से 30-30 स्टेम चल रहा था और उसके पहले 48 दिनों तक हमने केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स के साथ काम किया था, तो लगातार ये 4-5 महीनों से काम का सिलसिला अनवरत चल रहा था, तो हमें भी लैब में लगा कि उनको थोड़ी सी छुट्टी दे देनी चाहिए और मुझे आपके साथ जुड़ने का अवसर मिला। तो मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं झज्जर हरियाणा का रहने वाला हूं और स्कूलिंग मेरी झज्जर से ही हुई। उसके बाद 5 साल IIT बॉम्बे में पढ़ने का अवसर मिला और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वहाँ पे रहने के, और बड़ा मज़ा आया। और मज़ा इसलिए नहीं आया कि केमिकल इंजीनियरिंग से लगाव हो पाया, वो तो इसलिए क्योंकि अब अगर आप घर से बाहर जाएंगे और हॉस्टल 4 में अगर दोस्तों के साथ रहेंगे तो मज़ा ही आता है, बट कहीं ना कहीं मन में ये था कि भारत के सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये संभव नहीं हो पाया कि जो विषय हमने 5 साल तक पढ़ा उससे लगाव हो जाए। तो ये इस तरह की बातें मन में उठती रहती थी। फिर कॉलेज ख़त्म हो गया तो बातें उठनी थोड़ी सी वो भी कम हो गई और नौकरी चालू कर दी मैंने, तो रिलायंस में उसके बाद मैंने काम चालू किया, प्लास्टिक्स बनाने का हम काम करते थे। तो 1.5 साल जब ये नौकरी करते हुए करते हो गया तो फिर ऐसा मन में ख्याल आया कि ये काम हम जिंदगी भर तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर घर पे जब मैंने एक्चुअली चर्चा की इसकी तो सब लोग काफ़ी दुखी हो गए। मेरे पापा जो खुद एक टीचर हैं वो तो सबसे ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उनकी दोनों किडनीज मांग ली हों। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको 30-30 स्टेम अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल उन्हें ईमेल कर दें कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, और ईमेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो एनीवेज ये किसी कारणवश फिर मेरा पूना जाना हुआ और भाग्यवश मेरी मनीष सर से मुलाकात हुई। और भाग्यवश इसलिए भी कह रहा हूँ कि कई बार मन में कुछ बातें होती हैं कि आप ज़िंदगी को किसी दिशा में ले जाना चाहते हो लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो इस तरह के नहीं बन पाते कि उस पर कुछ काम हो, लेकिन मेरा भाग्य अच्छा रहा कि सही समय पर मेरी सही इंसान से मुलाकात हुई और उन्होंने जब उनके साथ डिनर पे पुणे में बैठ के जब हम ये खिचड़ी पे, इंटरेस्टिंगली खिचड़ी उस दिन खा रहे थे, तो खिचड़ी पे जब ये चर्चा हुई कि जो पाठ्यक्रम की खिचड़ी है उसको उसके साथ अगर हम कुछ रोचक सामग्री जैसे कि घी, दही, पापड़, अचार ये सब नहीं डालेंगे तब तक वो खिचड़ी जो है वो खाना बोझिल हो जाता है। और अगर दूसरी बात ये भी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिंस हैं वो नहीं मिल पाते अगर ये वाली सामग्री अगर हम ना डालें,
तो ये चर्चाएं जब हुई तो फिर इस तरह का मन बना कि हाँ ये मैं भी इसी दिशा में सोच रहा था। तो फिर हमने साथ में मिलके सीसीएल और हमारे 3 साथी और जो आज एंड में आपसे उनकी भी मुलाकात कराएंगे, तो साथ में मिलके सीसीएल 3 साल 3.5 साल पहले चालू किया था। और 3 साल का बहुत अद्भुत अनुभव रहा है। हम 10,000 शिक्षकों के साथ जुड़े इन 3 सालों में फेस टू फेस, 50,000 बच्चों के साथ हमने अपनी बात रखी, और 30-30 स्टेम में तो एक ये जुड़ाव है, ये अलग और अलग लेवल पे गया है। हमने लाखों लोगों के साथ आपसे जुड़ाव हो पाया है, और अकल्पनीय ये जो अनुभव रहा है। इस तरह के जो फीडबैक मिले हैं, जैसे पिछले एपिसोड जो म्यूजिक वाला एपिसोड था, उसके अगर मैं फीडबैक आपको दिखाऊं, तो ये एनिमे क्रॉसओवर, इनका असली नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट माई सन टू बिकम अ टीचर लाइक मनीष जैन। तो आई थिंक इससे ये फीडबैक पढ़ के हमें जो लगा कि भाई इससे बढ़िया हमारे लिए एनकरेजमेंट वाली बात नहीं हो सकती कि किसी को ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को टीचर बनाएं। अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर तो सब लोग बनाना चाह रहे हैं आजकल, बट टीचर बनाएं ये बात अगर हम इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के दिलों में उतार पा रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए एंड खुद के लिए एनकरेजमेंट कोई नहीं हो सकता। दूसरा, राजेश प्रसाद जो हैं, इनका हमें फीडबैक मिला कि आप उस आदमी की तरह हैं जिसे पता है कि चोट कहाँ करनी है, और आपने कई रुके हुए इंजनों को चालू कर दिया है। तो राजेश जी, आपने काफी दिल से जो बात कही और ये हमारे दिल तक भी काफी पहुंची है, और थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक। एक और फीडबैक अगर मैं दिखाऊं, काफी अच्छे फीडबैक मिलते हैं, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है कि कौन सा फीडबैक दिखाएं और कौन सा नहीं दिखाएं। जो ऊपर आ जाता है उसको दिखा देते हैं। तुसी शो ये कह रही है कि रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ की तरह है आपको ये सर का वो लग रहा है प्रोग्राम। और ये मैं आखिरी में आपको दिखाऊं, तो ये इंटरेस्टिंग चैट आज, एक सेकेंड, आज सुबह ही मैं ये जो वीडियो है इसकी लाइव चैट देख रहा था, तो सब लोग अपने अपने बता रहे थे कि हम इसके विषय हैं, हम उसके विषय हैं, हम हमारा स्कूल एमपी में यहाँ पे है। कुछ बच्चे फिर शायद ये शुरू हो गए कि आई एम फ्रॉम अर्थ, आई एम फ्रॉम ग्लोब, और ये बहुत बढ़िया एक कॉन्वर्सेशन सुना दिखाई दी मुझे, तो मुझे मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये कॉन्वर्सेशन शेयर कर दूँ। ठीक है जी, एक एक सेकेंड बस। तो इस एपिसोड का विचार जो है भाई, कार्ड्स का एपिसोड क्यों करें, इस एपिसोड का विचार जो है वो हमें एक साल पहले जो कोर्स किया था, आईआईटी के ही मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ मैंने और मनीष सर ने मिलके एक कोर्स पढ़ाया था। तो उस कोर्स के दौरान जो हमने खुद सीखा और दूसरे बच्चों के साथ जो बच्चों की आंखों में चमक आई, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे। तो उस कोर्स के दौरान जो 30 घंटे का वो कोर्स था, उसको आज 1 घंटे में आपको परोसने की कोशिश रहेगी, और हो सकता है कि उस दौरान कुछ हम आपको होमवर्क दे दें, तो कुछ एक्टिविटीज़ हम आपको कराएंगे और कुछ आपको फिर अपना समय लगा के उनको अपने आप उनमें उनका पीछे का जो गणित है वो जानना है। और वो कोर्स पढ़ाने से पहले हमने इंटरेस्टिंगली पर्सी डाइकोनिस नाम के एक इंसान है, उनके बारे में पढ़ा। ही वॉज अ प्रोफेशनल मैथमेटिशियन मजिशियन, कितने आस पास के शब्द हैं ये। ही वॉज अ प्रोफेशनल मजिशियन हु यूज टू, जो ये समुद्र के जहाज होते हैं इसमें जुआ खिला के अपने कॉलेज की फीस इकट्ठी करता था। और वो जुआ खिलाते खिलाते एक दिन मार्टिन गार्डनर, जो विश्व के सबसे सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और जर्नलिस्ट दोनों थे, उनकी उन उनसे मुलाकात हुई। और मार्टिन गार्डनर ने फिर हार्वर्ड के एक प्रोफेसर को एक चिट्ठी लिखी, रिकमेंडेशन लेटर, कि भाई मुझे ये तो नहीं पता कि आदमी मैथ कैसा करता है, लेकिन इससे अच्छा शफल करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये, और दूसरी चीज, पिछले 10 सालों में जो 10 सबसे बढ़िया कार्ड्स की एक्टिविटी हुई है, उसमें से 2 इसने बनाई हैं। तो ये लेटर पढ़ के हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने उनको पीएचडी में दाखिला दे दिया, और फिर पीएचडी जब खत्म करी, और एंड नाउ ही इज टीचिंग एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे मैथ का एक डिपार्टमेंट है, कॉम्बिनेटोरिक्स, उस डिपार्टमेंट में वो पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी सारी जगहों पे ये कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ते हैं लोग, अपना पूरा समय इसी में बिता देते हैं कि भाई जो ये ताश है इसके पीछे की जो ये इंटरेस्टिंग गणित है इसको समझने में ज़िंदगी लगा देते हैं। तो आज हमने सोचा कि आपसे आपको उसकी थोड़ी सी एक झलकी हम आपके सामने करें। और ये भी थोड़ा सा होता है कि हमें लगता है कि ताश बहुत बुरी बुरी सी चीज है, ताश से दूर रहना चाहिए। एक्चुअली हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है कि जो खेले ताश उसका हो सत्यानाश। तो ताश को एक बहुत बुरी सी एक लाइट में देखा जाता है। तो आज हम ये करेंगे कि ताश का जो ये ऊपर जो ये कालिख पुती हुई है, इसको थोड़ा सा उतारने की और उसको साफ आपके नजरों में, आपकी दृष्टि और दृष्टिकोण ताश के प्रति साफ हो जाए, वो कोशिश भी हमारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक मैं आपको ओवरहेड में लेके चलता हूँ।
तो जो ये पहली एक्टिविटी है, ये हमारी, इसके लिए हमें पूरे 52 कार्ड चाहिए। इसका वो आ रहा रिफ्लेक्शन, ये इसका एक सेकंड बंद कर लेता हूँ। तो ये जो पहली एक्टिविटी है, इसके लिए मुझे 52 जो ये हैं ये कार्ड चाहिए हैं, और इसके लिए हम अपने वॉलंटियर जो मेघना है, जस्ट ए सेकंड, मेघना से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। वॉलंटियर मेघना है, उनको बोलेंगे कि ये जो डेक है इसको मैं मेघना को दे रहा हूँ, और इसमें से कितने भी कार्ड निकाल के, 1 से 10 तक कितने भी कार्ड निकाल के मुझे वापस दे दें। तो मेघना कितने भी, और मैं नहीं देख रहा हूँ कि कितने कार्ड्स वो निकाल रही हैं, कितने भी कार्ड निकाल के मेघना ने अपने पास रख लीजिए इनको, और मेघना ने कितने भी कार्ड निकाल दिए हैं। अब मेरे पास जो ये डेक बचा है, इसमें से मैं कहूंगा कि एक कोई भी अपना एक फेवरेट कार्ड चुन लें और मुझे ना दिखाएं, ऑडियंस को दिखा दें, मैं तब तक आंखें बंद कर लेता हूं, और ऑडियंस को ये वाला कार्ड दिखा दें। दिखा दिया? हाँ। बढ़िया। तो अब जो ये कार्ड है वो ये जो मेरे पास डेक है उसमें उसी नंबर पे लगा दें जितने कार्ड्स आपने ये जो हटाए थे, ये कूड़े में इसको डाला हुआ है कार्ड्स को, तो ये इतने जितने कार्ड्स हटाए थे उसी नंबर पे इस कार्ड को डाल दें। जैसे आपने 5 कार्ड हटाए थे तो इसको 5वें नंबर पे डाल दो, मैं नहीं देखता हूँ। और इसके लिए मैं आपको ओवरहेड में लेके चलता हूँ। ठीक है, कर दिया। कर दिया। तो मेघना ने कुछ कार्ड्स इसमें से हटा दिए हैं, और कुछ कार्ड्स जो हैं, और उसमें से जितने कार्ड्स हटाए उतने नंबर पे जो फेवरेट कार्ड जो आपको भी ऑडियंस को भी दिखाया उतने वहां तक वो कार्ड डाल दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मेघना से कहूंगा कि 35 से 45 तक कोई भी एक नंबर, अपना फेवरेट नंबर मुझे बताएं। 35 to 45 कोई भी एक नंबर। 37 ठीक है। सो मैं क्या करूंगा कि 37 से आगे, और जैसा मैंने कहा था कि ये कार्ड ट्रिक करने के लिए आपको 52 तक गिनती जरूर आनी चाहिए, तो मैं गिनती गिनना शुरू करता हूँ 37 से आगे। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 and 52। तो ये जो गिनती मैंने गिन दी है, अब 1 से और 37 तक गिनती गिन लेते हैं। आपका फेवरेट नंबर क्या था? 37। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, और ये कार्ड जो है वो मैजिकली मेघना का कार्ड है। ये देखिए, अपने आप, सिर्फ हमने गिनती की और ये कार्ड अपने आप मेघना के जो फेवरेट नंबर है वहां तक पहुंच गया। तो ये जो है कार्ड ट्रिक, ये आप करके देखिए और अपने आप ही चलती है। आप कोई भी नंबर चुन लीजिए, उतने कार्ड हटा के वहां पे अपना फेवरेट कार्ड डालेंगे और बस गिनती गिनना चालू किए, अपने आप ये कार्ड ट्रिक चलती है। इसमें कोई हाथ की, एक्चुअली हाथ की सफाई ना हो इसलिए मैंने आधी बाजू की ये टी शर्ट पहनी है, ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ से बाजू से कोई कार्ड निकाल के चीटिंग कर ली इसलिए। और उद्देश्य है भी नहीं कि आपको कोई ट्रिक दिखा दें, उद्देश्य हमारा ये है कि आपको जो ये कार्ड है इनके पीछे छुपी हुई जो अद्भुत गणित है उससे आपका परिचय कराएं। तो ट्रिक नहीं है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिनके पीछे बहुत ही बढ़िया मैथ है, और वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं इस और इसी के साथ। और जो इसका एल्जेब्रा है, मतलब ये जो ट्रिक है ये हर बार क्यों चलती है, ये हमने आपके होमवर्क में डाला हुआ है, तो वो प्रूव करिए कि ये ट्रिक जो है और ये, या फिर जो ये एक्टिविटी है ये हमेशा काम करेगी। और इसी के साथ, और दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये 52 के साथ किया, आप अपना एक वर्जन बनाइए भाई, 52 के साथ करने की बजाय आप 40 के साथ करिए, और फिर हमें उसका वीडियो या फिर उसका कुछ फोटो या कुछ राइटअप बना के भेजिए, और प्रूफ उसका भेजिए कि ये 40 में काम क्यों कर रही है। ठीक है, तो उसी के साथ मैं आपको पहला हमारा जो सवाल था 52 कार्ड से रिलेटेड उस पर ले चलता हूँ, और ये काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दे भी रखे हैं इसके, ये हमने कल शाम को ही लाइव कर दिया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने जवाब भी दे रखे हैं। तो ये सवाल मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जो लोग अभी देख रहे हैं उसके लिए, जो लोग अभी देख रहे हैं वो प्लीज़ गो टू आइटम पूल एंड आंसर दिस क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज 52 कार्ड्स कैन बी अरेंज्ड इन 52 फैक्टोरियल वेज। फैक्टोरियल मतलब ये जो सिंबल, इसका मतलब है 52 से लेके और 1 तक सारे नंबर्स हैं उनको गुणा कर दें, 52 गुणा 51 और 1 तक चले जाएं, तो इतने सारे नंबर ऑफ वेज में, और ये अकल्पनीय नंबर है, मैं थोड़ी सी देर में इसका कितना बड़ा है ये नंबर वो शेयर करूंगा।
दिस नंबर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.0658 इंटू 10^67। 8 के पीछे अगर अपन 67 जीरो लगा दें, इतना बड़ा नंबर है। अप्रोक्सीमेटली कितनी जीरो, एग्जैक्ट नंबर में कितनी जीरो है आखिरी में, वो आपका सवाल है। तो आइटम पूल पे जाएं और इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश करें। हमें कुछ लोगों ने पिछली बार ये भी बताया कि आइटम पूल में आप काफ़ी कम समय देते हैं तो उसका टाइम अप हो जाता है बोलने से पहले ही, तो इस बार हम थोड़ा सा ज़्यादा समय उसमें देने की कोशिश करेंगे। तो आइटम पूल पे जाएं और सब लोग ये जवाब दें। 52 कार्ड्स, 52 फैक्टोरियल के बीच में, हाँ। और जब तक आप उत्तर दे रहे हैं तो मैं तब तक आपको ये बहुत ही सुंदर जो हमने एक बॉल बनाई है वो हमारे साथी नीरज, पंकज और जनार्दन ने जो बॉल बनाई है ये दिखा देता हूँ। तो ये सेकेंड टू फ्रीक्वेंसी जियोडेसिक बॉल है और इसकी इसका जो ये कैसे बनाई और इसका पीछे का जो मैथ है वो जुड़े रहिए, हम आखिरी में वो लोग आके वो स्वयं इसको वो करेंगे। और एक बहुत बढ़िया जो रात भर उन्होंने जो ये बॉल बनाई उसका एक बहुत बढ़िया शानदार उन्होंने वीडियो भी बनाया है, वो भी हम आखिरी में चलाएंगे, तो जुड़े रहिए। और इस तरह की चीज़ें ये देखिए, इसमें अगर बीच में लाइट लगा दें और इसको कवर कर दें तो बहुत बढ़िया एक लैंप बन जाता है। तो चाइना से अगर लैंप खरीदने की बजाय ये कितना बढ़िया खुद से बनाए, आइसक्रीम की डंडियों से बनाया हुआ है, तो आइसक्रीम की डंडियों से अपना लैंप बनाएं और इस दिवाली पे अपनी अपने लैंप से अपने घर को रोशन करेंगे और गणित गणित वाले लैंप से। चलिए, काफ़ी सारे लोगों ने उत्तर दे दिए तो मैं उत्तर दिखा देता हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों ने डी उत्तर दिया, 67। तो जैसा कि मैंने अभी एक सेकंड में इसको तो जैसा कि मैंने अभी क्लैरिफाई किया था कि नंबर बहुत बड़ा है, 67, 8.0658 इंटू 10^67। तो 67 इसमें डिजिट्स हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर आप उस नंबर को निकालेंगे तो क्या कितनी जीरोज आएंगी उसमें। तो उसके लिए मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन एक बार आपको लेके चलता हूँ। चलिए, तो आईपैड लेके चलता हूँ। तो हमने पूछा था कि 52 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड। तो अगर आप 52 को गुणा करने जाएंगे, 52 टाइम्स 51 टाइम्स टिल 1, तो क्या होगा कि जितनी जीरोज आएंगी, एक तो यह है कि जितने आखिरी में जो 10 है या फिर 20 है इतनी जीरोज तो आएंगी ही, ठीक है। बट जिसके एंड में, जिस नंबर के एंड में 5 है, वो भी अगर उसको भी अगर 2 से गुणा करेंगे तो वो भी एक जीरो दे देगा। तो सो एसेंशियली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज 1 से 52 तक जो हम गुणा कर रहे हैं उसमें कितने 5 आ रहे हैं और कितने 10 आ रहे हैं। तो एक तो हम अगर कैलकुलेट करें तो 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। तो 25 में 2 बार 5 है, 5 × 5, तो ये 2 बार 0 दे सकता है। और फिर 30 है, 35, 40, 45 और 50। एंड 50 में 5 भी है और 10 भी है, तो ये भी 2 बार देगा। तो इसको अगर आप गिनेंगे तो पाएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 2, 12। तो 12 जीरोज होंगी उस नंबर के एंड में। और 247 लोगों ने 12 का जवाब दिया था। चलिए, हाँ, अब मैं ये भी दिखा देता हूँ कि जो ये एग्जैक्ट नंबर है जो मैं, ये देखिए इतना बड़ा ये जो ये नंबर है 8065 और बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अगर एंड में अगर आप देखेंगे तो ये वो 12 जीरोज हैं। ये अगर आप गिनेंगे तो 12 जीरोज हैं। और ये नंबर जो मैं बोल रहा था कितना बड़ा है, उसके अराउंड अगर आपको थोड़ा सा वो करना है, तो इन्होंने बहुत बढ़िया एक कहानी लिखी है। इक्वेटर पे चलना शुरू कीजिए, एक बिलियन साल में एक कदम, वन स्टेप एवरी 10 बिलियन, और अर्थ का पूरा चक्कर काटना है आपको। और चक्कर काटने के बाद रिमूव 1 ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। एक चक्कर काटने के बाद समुंदर से 1 बूंद पानी निकाल लें और निकालते जाएं जब तक कि सारा ओशन खाली ना हो जाए, और जब वो खाली हो जाए तो पेपर स्टैक कर दें। तो इतनी सारी जो ये प्रोसेस करेंगे उसके बाद आप 1/3 जो है, इतने सेकंड बच जाएंगे, इतना बड़ा ये जो है ये नंबर है, ठीक है।
चलिए अगला जो अगली जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगली जो ये एक्टिविटी है वो हमर शफल्स पे आधारित है, हमर शफल पे आधारित है। और ये इसके लिए मैं मुझे 20 कार्ड चाहिए, तो वो 20 कार्ड मैं निकाल लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक सेकेंड बस, और ये 20वां कार्ड। तो मैं ओवरहेड पे आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ गया। चलिए तो ओवरहेड पे मैं दिखाता हूँ, ये मैंने 20 कार्ड ले लिए हैं और इनको मैं शफल कर देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, तो ये सारे सारे कार्ड्स ये फेस अप हैं, मतलब खुले एक ही दिशा में फेस कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ को फेस डाउन कर दूंगा और कुछ को फेस अप रहने दूंगा। और हम ये देखेंगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, तो ये मैंने 19 कार्ड हो गए। तो एक और कार्ड मैं ले सकता हूँ और इन दोनों को भी मैंने लगा दिया है। चलिए तो ये कुछ अरेंजमेंट ये हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इनको हमर शफल करूँगा। और हमर शफल में क्या होता है कि दो कोई भी कितने भी कार्ड्स को आप नीचे ले जा सकते हैं। ये देखिए कितने भी कुछ भी कुछ कितने भी कार्ड उठा के नीचे ले गए। और दो दो के पेयर में आप पलट भी सकते हैं, चार चार के पेयर में पलट सकते हैं। कोई भी इवन इवन नंबर ऑफ कार्ड्स लेके, जैसे ये दो कार्ड मैंने लिए तो पलट दिए, और कितने भी कार्ड मैं नीचे ले जा सकता हूँ, चार कार्ड उठा के एक साथ और पलट भी सकता हूँ। तो ये कितनी भी बार आप ये प्रक्रिया है ये कर सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो जितने भी मेरे पास कार्ड हैं इनको एक एक करके दो ढेरियों में बांट दूंगा। बहुत बढ़िया, तो एक एक करके मैं इनको दो अलग अलग ढेरियों में बांट दे रहा हूँ। और अब मैं क्या करूँगा कि एक ढेरी को उठा के और दूसरी पे रख दूंगा। और अब देखिए आप मैजिकली क्या होगा कि सारे इक्के जो हैं वो खुले रह जाएंगे, ये देखिए, और बाकी सारे कार्ड्स मैजिकली बंद हो जाएंगे। सो ये तो ये जो ट्रिक है ये हमर शफल जो मैंने बोल रहा था हमर शफल पे आधारित है। और हमर शफल में इतना ही करते हैं कि जो भी कार्ड्स हैं आपके पास दो दो के पेयर में उनको पलट सकते हैं आप। तो और दो दो के पेयर में मतलब इवन नंबर ऑफ कार्ड्स लेंगे और उनको पलटते जाएंगे तो उसको हमर शफल बोलते हैं। एंड दिस एक सेकेंड में आपको, हाँ, और अगर ये अगर देखें तो फिर मैंने जो अरेंजमेंट किया था उसमें मैंने कुछ नहीं और कुछ नहीं किया था, बस इतना ही किया था कि हाँ ये देखिए, तो जो अरेंजमेंट मैंने आपको करके दिखाया था उसमें इतना ही करा था कि इक्के अगर इवन नंबर ऑफ प्लेसेस में आ रहे हैं तो मैं उनको खुला रखता हूँ, और ऑड नंबर मान लीजिए ये इक्का है, अगर इक्का इवन नंबर पे आ रहा है, ये पहला कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, तो इक्का इवन नंबर पे आ रहा है तो वो खुला रहेगा, अगर ऑड पे आ जा रहा है तो उसको मैं बंद कर दूंगा। तो ये और बाकी कार्ड्स के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट किया था। तो ये अगर प्रक्रिया आप सभी कार्ड्स के लिए करेंगे, और ये आपका होमवर्क है कि ये अरेंजमेंट होने के बाद आप कितना भी कार्ड्स को ऊपर नीचे कर लें हमर शफल करके, मतलब दो कार्ड्स को या चार कार्ड्स को पलट लें या फिर कितने भी कार्ड्स को ऊपर से नीचे ले जाएं, कोई इसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसमें फर्क नहीं पड़ता। और बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको इसकी अगर दिखाऊं तो वो ये है कि अगर मैं शुरू करूं 2n कार्ड्स, 2n इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, और द नंबर ऑफ फेस अप कार्ड्स एट इवन पोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेस अप कार्ड्स एट ऑड पोजिशन। इसका मतलब अगर मैं इससे शुरू करूं और अगर मैं इसको अब हमर शफल करूं, हमर शफल मतलब कि चार कार्ड ऊपर और कितने भी कार्ड को पलट सकते हैं इवन नंबर ऑफ कार्ड्स को, 2, 4 और 6, तो ये प्रक्रिया करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे लिख खोल दूं तो जितने फेस अप कार्ड्स इधर हैं उतने ही फेस अप कार्ड्स उधर रहेंगे, गारंटी। उसमें अपने आप ये ट्रिक चल जाती है। तो ये देखिए इसमें, हाँ, इससे जुड़ा हुआ होमवर्क है आपके आपके होमवर्क में, हमने इसका इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी डाला हुआ है, तो वो करिएगा। ठीक है, तो अगली जो एक्टिविटी है उसके लिए मुझे एक और
ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए उसका नाम है गोलब्रेथ, साइकिल पे आधारित है वो, और उसका मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने कुछ कार्ड्स हैं ये मेरे पास, कुछ अरेंजमेंट इनका कुछ करा हुआ है, और अब मैं क्या करूँगा, इनको कार्ड भी सकते हैं कुछ, और फिर इसको शफल भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ कार्ड्स लेके, और ये वाली एक्टिविटी है ये सबसे रोचक है, और इसको देख के मैंने इतनी बार किया है इसको, लेकिन इसको देख के मैं भी कई बार हंस, हर बार इसको देख के खुद ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये चल क्यों रही है। तो ये देखिए, दो डेक में मैंने अपने कार्ड्स को बांट लिया है, और अब मैं क्या करूंगा, इनको आपस में शफल कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपस में बहुत बढ़िया शफल हो गए। तो अब मैं दो दो के पेयर में अब मैं क्या करूंगा, इनको खोलते जाऊंगा। तो ये देखिए, रेड एंड ब्लैक, फिर से दो के पेयर में अगर मैं करूं, फिर से रेड एंड ब्लैक, और अगर चार चार के मैं करूं, 1 2 3 4, चार के मैं करूं तो हुक्म पान ईंट चिड़ी, चारों सूट आ गए। और अब मैं, मेरे पास एक और, अगर एक और बार अगर मैं चार कर दूं, ये देखिए, हुक्म पान ईंट चिड़ी, चारों सूट अपने आप ही आ जा रहे हैं। और अब क्या करते हैं कि 13 के 13 कार्ड्स को अगर मैं खोल दूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अब सारे कार्ड्स मैंने खोल दिए, इनमें से एक कार्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, 21 से बादशाह तक एक कार्ड जो है वो नहीं दिख रहा होगा, और वो अपने आप, ये कौन सा कार्ड है वो, ये चैट में आप बताएं भी कि कौन सा कार्ड होना चाहिए ये, और मैजिकली आप देखेंगे कि वही कार्ड ये मिलेगा। तो ये कौन सा कार्ड है, और इसमें देखिए 9 नहीं था, और ये 9 अपने आप इधर खुल गया। और एक और चीज फिर से देख सकते हैं, अगर ये काला है तो ये लाल होना पड़ेगा। और फिर से दो दो के पेयर में अगर मैं फिर से खोलूं, इसको साइड में कर देता हूँ, दो दो के पेयर में फिर से खोलूं, तो फिर से आप देख सकते हैं कि पूरा, पूरी गड्डी में कहीं से भी खोलें, जब तक दो दो के पेयर में खोल रहे हैं तो ये चल रहा है, और अगर चार 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 खोल रहे हैं तो हुक्म पान ईंट चिड़ी भी चल रहा है, चारों सूट्स खुल रहे हैं। तो इसमें तीन तरह के पैटर्न हैं, तीन तरह के पैटर्न हैं। दो दो कार्ड अगर आप लेंगे तो रेड और ब्लैक, रेड एंड ब्लैक आता है, चार चार कार्ड लेंगे तो चारों सूट्स भी आते हैं, और 13 लेंगे तो 1 से 13 यानी 21 से बादशाह तक सारे कार्ड्स अपने आप आएंगे। जबकि मैंने रैंडमली कार्ड्स लेके उनको शफल किया था, फिर भी ये चलती है। तो ये इसको गोलब्रेथ साइकिल, उसका प्रिंसिपल है, उस पर आधारित है, बहुत ही रोचक गणित है। तो एक हम ये भी बोलना चाह रहे थे कि इस तरह की आपको ये लगेगा कि काफ़ी कम एक्सप्लेनेशन हो रही है, बट 30 घंटे का जो कोर्स था वो हम आपको 1 घंटे में कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अपना जो समय है ये करने के बाद, आपको अपना समय जो है वो लगाइए, और बिल्कुल अगर उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे कष्ट आए तो बिल्कुल यू कैन सेंड अस एन ईमेल एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू मोर अबाउट दिस कार्ड ट्रिक्स। तो इसको, हाँ, इसको लगाने के लिए, और अल्टीमेट गोलब्रेथ प्रिंसिपल, इसका मैं थ्योरम और जो अगर आपको शेयर करना चाहूँ तो वो ये है, दिस फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज आर इक्विवेलेंट। ये देखिए, तो अगर अगर आप इसमें, इसको अरेंज कैसे करना है वो एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूं, और उसके बाद यू कैन फिगर आउट कि ये सब चल क्यों रहा है। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, चारों डेक्स को अलग अलग पहले हटा निकाल लेंगे। जैसे ये चार डेक हैं, तो इनको सारे सारे कार्ड्स को चारों डेक में अलग अलग बांट लिया, और फिर क्या करेंगे, फिर आप ऐसा करेंगे कि यू हैव टू मेक श्योर कि 13 में सारे आ जाएं, और सारे इनको ऐसे करना पड़ेगा, और एक कार्ड यहां से उठाएं, जैसे जैसे इक्का इक्का यहां से उठाए, इक्का है नहीं, ठीक है, मान लीजिए यहां पे इक्का होता तो इक्का यहां से उठाए, फिर 2 यहां से, फिर 3 यहां से, और फिर 4 यहां से, 5 6 7 8, और ऐसा ऐसा करके पूरा डेक जो है 52 कार्ड्स का वो अरेंज कर लें। और उसके बाद जो शफल करना है, उससे पहले आप अगर ऐसे शफल करेंगे, उसके पहले अगर आप ऐसे शफल कर देंगे कि भाई 2 ये कार्ड मैंने निकाल लिए, और अब मैं इसको शफल कर देता हूँ, तो नहीं चलेगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, जो उस पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको दिख भी गया होगा, आपको ऐसे दो कार्ड्स में बनाना पड़ेगा। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं जो ऑर्डर है उसका कार्ड्स का वो उलट रहा हूँ। तो जो कार्ड सबसे ऊपर था अभी, ये देखिए, जो कार्ड सबसे ऊपर था वो नीचे जा रहा है और जो कार्ड नीचे था वो ऊपर आ रहा है। तो ये वाला करने के बाद आपको शफल करना है। और ऐसे फिर आपको शफल करना है, ठीक है। तो ये तो इसको जो है वो गोलब्रेथ साइकिल है। तो अब इतना सारा जो हम गणित कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना सारा जो हम गणित कर रहे हैं उसमें हमें लगा कि इतनी बढ़िया रोचक एक्टिविटीज जो चल रही हैं गणित से, उस गणित को सल्यूट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथ अपने आगे ले आएंगे, अपने दोनों हाथ आगे ले आएंगे और क्या करेंगे, एक हाथ पे दूसरा हाथ रख देंगे, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड। तो मेरे लेफ्ट और राइट पे नहीं जाएं, अपने लेफ्ट हैंड पे अपना राइट हैंड रख दें, वो मिरर वाला लेटरल इन्वर्जन से बचें, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड रख दें और फिर दोनों हाथों को घुमा के उनको कस के पकड़ लें, बढ़िया कस के पकड़ लें, और फिर अपनी जो चिटली उंगली है उसको हिलाएं, छोटी वाली उंगली, और अंगूठे को हिलाएं, दोनों को साथ में भी हिलाएं, और अब वेन एवर यू आर रेडी डू दिस, वापस ले आएं सीधा। तो कई लोग थोड़ा सा मशक्कत कर रहे होंगे वापस लाने में, तो दोबारा से मैं अगर इसको दिखाऊं तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे अपना राइट हैंड रख लेंगे, घुमा के दोनों हाथों को जोर से पकड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे, उंगली हिलाया, अंगूठा हिलाया एंड बैक। तो काफ़ी सारे लोगों को ये करने में कष्ट भी हो रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि आपने जो गणित है उस पर ध्यान नहीं दिया। गणित में कई बार ऐसा भी होता है कि आपको समस्या से समाधान की तरफ जाने की बजाय उल्टा जाना पड़ता है। समाधान से समस्या की तरफ अगर जाएंगे तो काम गाड़ी ज़्यादा आसानी से चलती है। तो अगर वो करेंगे तो ये वाले जो है वो आसानी से होगा। जैसे आप आखिरी में आपको पता है कि आपको यहाँ पे एंड करना है, तो इसका एक स्टेप पहले यही होना पड़ेगा, और एक स्टेप पहला ये है तो उसके पहले क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, और आपने हाथ यहाँ रखे थे। तो अगर आप देखें तो दोनों हाथों को आपको सेम दिशा में घुमाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ आ रहे हैं, थोड़ा एक स्टेप पीछे जाएंगे तो दिस इज योर वन स्टेप बैक। तो यहाँ पे आने से पहले आपको क्या करना पड़ रहा है, दोनों हाथों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना पड़ रहा है। ये देखिए, अगर आप उल्टा घुमा देंगे, इसको इधर और इसको इधर, ये आपने ऐसे पकड़ लिया, तो फिर आप इधर नहीं ला सकते, फिर आपके हाथ जकड़ गए। और काफ़ी सारे लोग ने ऐसे किया भी होगा। तो इससे जुड़ी हुई एक और जो एक्टिविटी है वो हमें मेघना ने सिखाई थी जब इसकी तैयारी कर रहे थे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड रखें, और जो हमने अभी बात की कि दोनों को अलग दिशा में घुमा के दोनों को जकड़ लें, दोनों हाथों को, मतलब इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ ये। तो अब ऐसी स्थिति में ले आएं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, मतलब मैंने पहले किया था उसमें तो मैं सीधा कर रहा था अपना हाथ, तो अब जो आप हाथों को पकड़ें वो ऐसे पकड़ें कि आप अपने हाथों को सीधा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अब मैं देखिए सीधा नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँगा, हाथों को घुमा के ऐसे ले आया और अपनी इंडेक्स फिंगर से, ये वाली उंगली से मैंने अपने नाक को टच कर दिया, और मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो और ये टच करने के बाद मैं क्या करूँगा, बिना नाक से उंगली उठाए मैं इसको खोल दूंगा। क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड रखा, इस तरह से जकड़ा कि ये लॉक हो गया है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड और ये लॉक हो गया, बहुत बढ़िया। और अब मैं इसको घुमा के नाक पे उंगली लगाई और नाक से उंगली हटाए बिना दोनों हाथों को खोल दीजिए। तो इसमें भी अगर आप आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये हो क्यों रहा है। और ये भी आप अगर कर पाएं तो हमें बिल्कुल उसका वीडियो बना के ज़रूर भेजें। चलिए अगली वाली जो कार्ड ट्रिक है, उसका नाम है गौरव यादव कार्ड ट्रिक। मैंने अपने नाम से ही इसको कार्ड ट्रिक को बनाया है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चार कार्ड्स चाहिए।
और उस ये जो चार कार्ड्स हैं ये मैं निकाल लेता हूँ। चार कार्ड पान के और चार कार्ड हुक्म के भी चाहिए, तो ये देखिए 1 2 3 4 और उधर भी 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। बाकी कार्ड्स को मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये जो चार कार्ड निकले, अच्छा इसका दो नहीं निकला तो दो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चार कार्ड निकले इनको मैं क्या करूँगा, दो अलग अलग ढेरियाँ बना के इनको रख देता हूँ, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये दो अलग अलग ढेरियों में मैंने इनको रख दिया है। और अब मैं क्या करूँगा कि दोनों ढेरियों को शफल करूँगा, और कितनी बार शफल करूँगा, जितने मेरे नाम में लेटर्स हैं, तो गौरव यादव में जितने भी लेटर हैं हर लेटर के लिए मैं एक बार शफल करूँगा। लेकिन कौन सी ढेरी को शफल करना है ये हमारे वॉलंटियर हैं वो मेघना, वो डिसाइड करेंगे। और शफल का मतलब इस ट्रिक में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले कार्ड को उठा के नीचे लाना है, ठीक है। कौन सी ढेरी से लाना है तो वो मेघना डिसाइड करेंगी। मैं इससे स्टार्ट कर देता हूँ, जब भी आपको चेंज करना हो चेंज करा सकते हैं। तो जी ए यू आर चेंज, ओके चेंज, ए वी वाई ए डी ए वी, ठीक है। तो ये जो दो सबसे ऊपर जो भी कार्ड्स आए उनको मैं उठा के सामने रख दे रहा हूँ। अब जो ये तीन कार्ड बचे इनसे फिर से ये यही प्रक्रिया कर सकते हैं, जी ए यू चेंज, ओके आर ए वी वाई ए डी ए वी, ठीक है। तो ये जो दो कार्ड आए उसको मैंने उठा के यहाँ पे सामने रख दिया। आखिरी बार ये जो दो 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 कार्ड्स बचे हैं इनको फिर से वो वही प्रक्रिया करते हैं, जी ए, इस बार मैं इतना ज़्यादा चेंज करा रही हूँ, यू आर ओके ए वी ओके वाई ए डी ए वी। तो अब जो ये दो कार्ड बचे इनको भी इनको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये देखिए ये जो दो कार्ड आखिरी में बचे इनको मैं अगर साथ में खोलूँ तो ये देखिए दोनों सेम कार्ड्स हैं। काफ़ी कम मेघना ने, या तो मेघना ने डिसाइड किया है या जो नाम है मेरा गौरव यादव ये काफ़ी लकी है। तो चलिए दूसरी बार लक को आजमाते हैं, क्या करते हैं ये दोनों जो कार्ड्स हैं इनको मैं उठा के फिर से देखता हूँ। तो ये और ये आप पाएंगे कि ये दोनों भी सेम हैं। अब जो ये दो हैं इनको खोलें तो क्या मिलेगा, ओ ये दोनों भी सेम हैं। और आखिरी जो दो कार्ड्स हैं उनको अगर मैं देखूँ तो ये देखिए सारे जो कार्ड्स हैं वो अपने अपने पैर में अपने आप ही लग गए हैं। देखिए कितना बढ़िया है ये, ठीक है। और ये जो हमने एक्टिविटी की, ये वाला जो सेशन मैं कर रहा हूँ इसका एक कारण ये भी है कि जो मेरा नाम है गौरव यादव उससे ये एक ट्रिक चल रही थी। मनीष जैन से अगर आप ट्राई करेंगे, क्योंकि उनके नाम में 10 लेटर्स हैं इसलिए उनके वो ये सेशन लेते, तो ये वाली एक्टिविटी है ये नहीं चलती, इसलिए भी मुझे ये सेशन लेने का मौका मिला, ठीक है। अगली जो एक्टिविटी है उसको एकदम बेसिक जो गणित है, 5वीं कक्षा की गणित है, उस पर आधारित है लेकिन अचंभे में ज़रूर डालती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 16 मैंने बड़े बड़ा लिख भी लिया है, आप ताश के कार्ड से भी, हाँ। और पिछली वाली जो एक्टिविटी है वो अपने नाम के साथ भी आप ट्राई करिए आपके, और दूसरी चीज ये भी ट्राई करिए कि आपके नाम से कितना कितने कार्ड्स की आप एक्टिविटी कर सकते हैं। और मान लीजिए 5 कार्ड की आपको एक्टिविटी करनी है, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हाँ प्रूफ इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके लिए मैं आपको आईपैड में लेके चलता हूं। तो अगली एक्टिविटी से पहले इसका प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये चल क्यों रही थी। और इसमें हमने क्या किया था कि दो, मान लीजिए ये दो सर्कल्स हैं, इनसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने जो दोनों डेक्स थे, और जो कार्ड्स हैं उसको 1 2 3 4 लिख रहा हूं, ठीक है। और जो दूसरा डेक है उसमें क्या है, 4 3 2 और 1। तो पहले डेक में अगर मैं एक बार शफल करूं और शफल कर रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला पत्ता नीचे जा रहा है तो दूसरा वाला सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसको मैं अगर एक बार शफल करूं तो ये दो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो सेकंड डेक में मुझे कितनी बार शफल करना पड़े कि ये दो सबसे ऊपर आ जाए, तो आप पाएंगे कि 4 से 3 जाना पड़ेगा और 3 से 2, यानी 2 शफल्स करनी पड़ेंगी टोटल। यानी एक शफल मैंने इसमें की और 2 शफल इसमें की, यानी टोटल अगर मैं 3 शफल करूं तो ऊपर सेम कार्ड आ जाएगा। और ये 3 शफल इंटरेस्टिंगली आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर 1 और इधर 2 करें,
या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर दो और इधर एक करें, ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर तीन और इधर करें ही ना, और उल्टा भी इधर करें ही ना और इधर तीन, तीनों कर दें। तो अगर ऐसा करेंगे तो ऊपर सेम कार्ड आएगा। दूसरी चीज क्या देख सकते हैं, मान लीजिए इस में दो बार आपने शफल किया, लेकिन अगर आप देखें तो पाएंगे कि चार बार और शफल करें तो फिर से इधर ही पहुंच जाएंगे। तो तीन तो कर ही सकते हैं, 3 + 4 यानी 3, या फिर 7, या फिर 11, या फिर 15, इस तरह से जो शफल आप करेंगे तो आप पाएंगे कि सेम कार्ड है वो सबसे ऊपर आएगा। और इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए फिर से इसको बनाऊं, तो अब उसके बाद हमने क्या किया, एक कार्ड हटा दिया डेक में से, तो 3 कार्ड बचे हमारे पास, 1 2 3, जो भी 3 कार्ड बचे उनको मैं 1 2 3 से लिख रहा हूं, तो 3 2 1। अब इसमें मान लीजिए एक शफल किया तो 2 आ गया, अब इसमें कितने शफल करने पड़ेंगे कि ये 2 सबसे ऊपर आ जाए, तो इसमें भी हमें दिख रहा है कि एक ही शफल करना पड़ेगा, तो 2 शफल करें, या फिर 2 पे आ गए और 3 और कर दें +3, यानी 2 या 5 या फिर 8 या फिर 11, इस तरह से अगर आप शफल करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि सेम कार्ड है वो ऊपर आएगा। तो देखिए 11 इधर भी है, ये वाली में भी है, और पिछली अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो इसमें भी है। तो और 11 की खास बात क्या है, 11 इज 4k-1 एंड ऑल्सो 3k-1। और जैसा कि हमने देखा वो 2 में भी चलता है, मान लीजिए मेरे पास 2 ही कार्ड हैं, 1 और 2, उसमें भी चल रहा था, तो 11 इज ऑल्सो 2k-1। तो इस तरह का नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा, विच इज 4k-1, 3k-1, 2k-1, एट द सेम, विच द सेम नंबर शुड बी दिस दिस एंड दिस, विच मीन्स द नंबर शुड बी एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स -1। तो अगर आपको पांच पांच कार्ड्स के साथ ये ट्रिक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 5 4 3 2 विच इज 60 -1 विच इज 59। तो 59 बार आपको, इतना आपका नाम अगर 59 लेटर्स का है तो आप 5 बार शफल कर सकते हैं, और मान लीजिए 7 बार शफल करना है, और ये आपका सवाल भी है, और सवाल मैं आपका स्क्रीन पे ले आता हूँ, आइटम पूल पे जाएं। हाँ, तो आइटम पूल पे जाएं, और ये सवाल जो है कि 7 बार, अगर 7 कार्ड्स के साथ आपको अगर ये एक्टिविटी करनी है तो कितनी बार शफल करना, कितना बड़ा आपका नाम होना चाहिए, कितने लेटर्स का आपका नाम होना चाहिए। तो सब सब तरह के उत्तर हमें दिख रहे हैं, एक और सब लोग आइटम पूल पे जाएं और ज़रूर इसको कितने कितने बड़ा आपका नाम होना चाहिए अगर 7 कार्ड्स के साथ आपको करनी है वो बताएं। सो द नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर, जैसे हमने 2 2 3 4 के साथ देखा, तो इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 -1 ऑफ कोर्स। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं, और ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है इसका, 419। मतलब अगर आपको 7 कार्ड्स के साथ ये ट्रिक करनी है तो आपका नाम 419 लेटर्स का होना चाहिए, और ये हमने आज तक एक ही नाम देखा है जिसका नाम इतना बड़ा हमें मिला है, और वो मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो अगर आपका इतना बड़ा नाम है तो आप 7 कार्ड से भी ये वाली जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो ये मैं बता रहा था, ये जो 18 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, 1 से लेके 18 तक, बड़े बड़े इसलिए लिखे हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, बट आपके पास अगर कार्ड ताश हैं नॉर्मल वाले तो वो भी आप कर सकते हैं, और ये मैं आपको ओवरहेड में दिखा देता हूँ। तो 1 से 18 तक मैं ये कार्ड्स मेरे पास हैं, ये लगा लेता हूँ, बहुत बढ़िया।
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनको पलट देते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, एक के मल्टीपल में जितने भी नंबर हैं उनको उनको उलट देंगे। तो एक के मल्टीपल में क्योंकि सारे ही नंबर हैं तो हम सारे कार्ड्स को उलट देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक एक करके हम ये सारे कार्ड्स खोल दे रहे हैं, क्योंकि एक के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे खोलने हैं और एक के मल्टीपल तो सारे ही नंबर हैं। ठीक है, तो सारे कार्ड्स खुल गए। अब हम क्या करेंगे, दो के जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे पलट देंगे। तो ये खुला है, इसको बंद कर देंगे। 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। और अब तीन के पहाड़े में जितने भी नंबर आते हैं उनके साथ भी यही प्रक्रिया अगर आप करें तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ऐसे ही चार के साथ अगर करेंगे तो 4, 8, 12 और 16। ऐसे ही पांच के साथ 5, 10 और 15। ऐसे ही छः के साथ अगर करें तो 6, 12 और 18। सात के साथ 7 और 14। 8 के साथ 8 एंड 16। 9, 9 और 18, ये इसको पलट देते हैं। और भाई 10 और 20 क्योंकि हमारे पास है नहीं तो सिर्फ 10 को ही पलटेंगे। ऐसे ही 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखिए, और इसी से जुड़ा हुआ आपका अगला सवाल भी है कि ये नंबर्स को देखिए, और मान लीजिए ये एक्टिविटी मैंने 52 कार्ड्स के साथ करी होती, 1 से 52 तक सारी संख्याएं अगर मैं लिख दूं, 1 से 52 तक अगर मैं सारी संख्याएं लिख दूं और उनके साथ यही प्रक्रिया करूं तो कितने कार्ड्स हैं वो खुले रहेंगे। तो ये आपका अगला सवाल है, इफ वी डू द ट्रिक विद 52 कार्ड्स हाउ मेनी कार्ड्स विल बी ओपन्ड। तो आइटम पूल पे जाएं और ये इस सवाल के जवाब दें और फिर वहीं पे वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो वापस बैक एंड फोर्थ आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए आंसर इसके देख लेते हैं। और अच्छा, 8, तो आंसर 8 जी, देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो 1 से 52, ये मैं आपको इसके लिए, तो अगर आप ये देखें तो कौन कौन से नंबर खुले हुए हैं, 1, 4, 9 और 16। तो इनकी खास बात ये है इन सारे नंबर्स की, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और अगर आप इसमें देखें तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1, 4, 9 और 16 जो हैं, सो ये 1 है ये 1 स्क्वायर है, 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 9 है ये 3 का स्क्वायर है और ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही जो अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 5 का स्क्वायर भी खुलेगा, 6 का स्क्वायर भी खुलेगा और 7 का स्क्वायर भी खुलेगा, विच इज़ 49। तो यहाँ तक नंबर खुलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आंसर हमारा गड़बड़ हो गया। तो 7 कार्ड हैं वो खुल जाएंगे आखिरी में। अगला सवाल जो है, और वो इसकी एक्सप्लेनेशन से भी जुड़ा हुआ है, वो ये कि, एक सेकेंड मैं आइटम पोल पे आपको लेके चलता हूँ, कि 50 जो है, 1 से 52 तक अगर आप ये गतिविधि करेंगे तो 50 जो नंबर है वो कितनी बार फ्लिप होगा, ये आपका अगला सवाल है।
तो ये 50 और फ्लिप होने के लिए ये आपको ध्यान में रखना है कि जो जो नंबर है जितने के भी मल्टीपल में आ रहा है उतनी बार फ्लिप होगा। तो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स विल 50 बी फ्लिप्ड, 50 50 वाला जो नंबर है वो कितनी बार फ्लिप होगा, ये आपका सवाल है आखिरी। चलिए उत्तर इसके देख लेते हैं। और काफी सब का ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया, तो इसका फटा जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम कि 50 जो है, और हमने ये भी देखा, ये पहले दोनों चीजें देख लेते हैं कि एक तो ये कि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर ही क्यों खुल रहे हैं, और उसी में हमारा ये भी आ जाएगा कि 50 कितनी बार फ्लिप होगा। तो मान लीजिए हम 12 के लिए देखें, तो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होंगे, 1 और 12 और 3 और 4 और 6 और 2, तो यानी टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 6। ऐसे ही हम अगर 10 के लिए देखें तो क्या होगा, 1 और 10, हाँ 2 और 5, और ये आप देख रहे होंगे कि फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा पेयर में आ रहे हैं, तो ये 10 के 4 फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप 16 के लिए देखेंगे तो आप तो क्या क्या पाएंगे कि 16 के क्या क्या फैक्टर हैं, 1 और 16, 2 और 8 और 4। तो जो 4 है वो बिकॉज 4 क्रॉस 4 इज 16, तो 16 के जो पेयर हैं वो अब ऑड नंबर हो गया है। और ये जो ऊपर जो हमने देखा था, ऊपर ये जो दोनों नंबर थे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, इनके जो फैक्टर्स थे वो इवन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। तो अगर किसी भी कार्ड को, और ये मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक ये एक ही कार्ड है, मान लीजिए इस कार्ड को मैं इवन नंबर ऑफ टाइम्स पलटूँ, तो 1, 2, 3 और 4, तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स कोई कार्ड पलटा जाएगा तो आखिरी में वो बंद ही रह जाएगा। वेरैज अगर किसी कार्ड को मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पलटूँ, जैसे 16 को अगर मैं पलटूँ तो 1, 2, 3, 4 और 5, अगर बंद है, सॉरी, अगर बंद है और 5 बार पलटूं तो 1, 2, 3, 4 और 5, और आखिरी में अगर आप देखेंगे तो ये खुला हुआ रह जाएगा। इसीलिए इसीलिए जो हमने देखा कि जो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर हैं वो खुले। अब आखिरी अगला जो सवाल था वो ये था कि 50 कितनी बार खुलेगा, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, 50 के फैक्टर्स निकाल लें उतनी बार ये फ्लिप होगा, तो विच विल बी 1 और 50, 2 और 25, 5 और 10, और क्या फैक्टर्स होंगे इसके, यही फैक्टर्स होंगे। तो और कुछ करें, सो यहां से आज के सेशन से और कुछ अगर करें ना करें, ये जरूर अपने क्लासरूम्स में और अपने घरों में जरूर करें कि परफेक्ट स्क्वायर करने से पहले ये एक्टिविटी अगर कर लेते हैं तो एक अलग ही तरह का समा जो है वो बन जाता है क्लास में, और फिर जो भी फैक्टराइजेशन वगैरह करना है वो भी कर लें। एक आखिरी जो एक्टिविटी है हमारे पास वो मैं आपको दिखा के ख़त्म करता हूँ, और वो ये है कि मान लीजिए 16 की जगह मेरे पास एक ही कार्ड है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, और एक ही कार्ड है, और मैं क्या करता हूँ, और उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेम एक्टिविटी हमने की, इसका हमने एक लाइट वाला वर्जन भी बनाया हुआ है, ओवरहेड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लाइट्स के साथ हमने करा हुआ है, और 1 से लेके 20 तक ये नंबर्स लगाए हुए हैं, और इन नंबर्स को आप जला सकते हैं, तो जितनी जो जो भी लाइट आप करना चाहें वो जला सकते हैं। और फिर तो अगर सेम एक्टिविटी आप इस बोर्ड के साथ, ये लाइट्स के साथ करेंगे तो पाएंगे कि आखिरी में 1, 4, 9 और 16 ही जले रहेंगे, बाकी सब बंद हो जाएंगे। और ये हमारे लैब में तपस हीरा जो हमारे साथी हैं उन्होंने बनाई है, और बहुत ही बढ़िया ये देखने में भी लगती है, और सुंदर सुंदर है काफ़ी। तो इसी तरह से
एक सेकेंड, इसी तरह से आप लोग भी इस दिवाली पे कुछ मैथमेटिकल चीज़ें और अपने घरों में बनाएं और उससे मैथमेटिकल एक छटा से अपने घर को रोशन कर सकते हैं। ये इसके साथ हम और आखिरी एक्टिविटी के साथ मैं आपसे तो ये मार्कर अगर मैं लूँ और ये एक स्क्वायर है मेरे पास और इस पे मैं क्या करूँगा, एक सीधा एरो बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये सीधा एरो मैंने बना दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, घुमा के एक और सीधे ही दिशा में एरो बना देता हूँ। ठीक है, तो ये सीधी दिशा में एक एरो है। अब इसको जब घुमाते रहेंगे तो दोनों एरो ऊपर की दिशा में ही पॉइंट करना है। बहुत बढ़िया। अब इसको घुमाते घुमाते अगर मैं सिर्फ हाथ चेंज कर लूँ तो ये लेफ्ट हैंड में था मेरे, अगर मैं इसको राइट हैंड में ले लूँ तो क्या होगा, ये देखिए अप डाउन। अब सिर्फ कुछ 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 भी और चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने अपने हाथ चेंज किए और नज़ारे बदल गए। अप डाउन। और अब अगर मैं क्या करूँ, ये डाउन है, अब फिर से हाथ अगर चेंज कर लूँ तो क्या होगा, डाउन 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 डाउन। तो तीनों तरह की चीज़ें हो जाती हैं, अप अप डाउन डाउन एंड अप डाउन। तो ये बिल्कुल बनाएं और इसके बारे में समझें कि ये चल क्यों रही है, इसके पीछे भी काफ़ी बढ़िया गणित छिपा हुआ है। रिफ्लेक्शंस आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक चीज़ एक लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट करती है, वो इसमें समझ सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये सेशन ख़त्म करना चाहूँगा और उसके आशा करता हूँ कि ये हमने कम्युनिकेट कर दिया हो कि जो ताश के प्रति आपका जो दृष्टिकोण था, जो जिस जिस तरह से ताश को देखते थे, वो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। और जो ताश सिर्फ जुआ खेलने के काम नहीं, स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर बनने के काम भी आ सकता है, ये हमने कम्युनिकेट कर दिया होगा। और आखिरी में मैं अपने जो साथी हैं और 30-30 स्टैम्प का एक्चुअली उद्देश्य भी ये है कि अलग अलग चीज़ों के प्रति, डेली लाइफ में जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके प्रति जो रिश्ता है वो चेंज हो। सब्जियां हैं तो उसमें कितना सारा गणित छिपा हुआ है वो दिखने लगे। हम बाहर जाके सन अर्थ मून कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारा, पेपर फोल्डिंग में जो इतना सारा गणित है, कागज़ के साथ खेल सकते हैं उसमें इतना सारा गणित है। और तो नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे, ये इस प्रोग्राम की जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो इसी के साथ मैं अपने जो साथी हैं जिन्होंने ये जो बॉल है, ये वाली जो बॉल हमने शुरू में दिखाई थी, ये बॉल बनाई थी, वो नीरज और पंकज, उनको बुलाना चाहूँगा तो वो ज़रूर आएँ और अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। नमस्कार सभी को, और सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे साथी नीरज, सभी को मेरा भी नमस्कार और सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम नीरज और ये मेरे साथी पंकज, जैसे कि और वही जो गौरव ने आप लोगों को बताया कि एक ये सुंदर सी बोल कल जो सर के साथ सर ने उसको जिसकी गणित बताई समझाई हम लोगों को कि किस तरीके से हम आइसक्रीम की डंडी के सहारे एक सुंदर सी बोल बना सकते हैं। तो हमारे साथी पंकज ने इसमें कुछ कुछ इस आइसक्रीम की डंडियों के अंदर छेद कर दिए हैं और ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस बोल के बारे में हमने इसके पीछे जो गणित है वो क्या है। और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम आइकोसाहेड्रोन बोलते हैं और इसी से हमारी ये बोल बनी है। और इसका हम समझाने के लिए एक वीडियो भी बनाएंगे कि हम इसको वीडियो आपके अगले कुछ मिनट के अंदर हम चलाने वाले हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। और सही पूछो, अगर मैं अपनी मन की बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बोल को हमने कल पूरी रात में बैठ के बनाया है और इतना आनंद हमें आया है इस बोल को बनाने में, मिलके बनाने में। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सभी लोग अपने पास में डंडियों का जुगाड़ कर लें और घर में सभी परिवारजनों के साथ में बैठ के बनाइए। और फिर इसके अंदर जो लाइट डालनी है तो लाइट डाल सकते हैं, अगर चिड़िया का घोंसला बनाना है तो चिड़िया का घोंसला बना सकते हैं, जो मन करे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर साथ में बैठ के कुछ इस तरह की चीजें करेंगे तो परिवार में आपसी सामंजस्य भी थोड़ा बढ़ जाएगा और हमें काफी, जब हम खुद की कोई चीज बनाते हैं तो बड़ा मजा आता है, खुद को काफी अच्छा लगता है। पूरी रात कैसे निकल गई बिल्कुल पता ही नहीं चला। धन्यवाद फिर से, थैंक यू। CCL की लैब में सभी का स्वागत है और अभी रात के 12:05 का समय है। और आइए आज मिलाता हूँ मैं आपको हमारे जेडी बोस से, जो अभी हम एक बहुत ही सुंदर सी एक आइसक्रीम की डंडियों से बोल बनाने जा रहे हैं।
और वो उसमें अभी छेद करने में लगे हुए हैं, और आशा है कि हम आज रात में बैठ के ही वो बॉल पूरी बना के दिखाएंगे। रात के 12:15 का टाइम है और मैं आपको अभी हमारी तीसरी लैब में ले चलता हूँ, जहाँ पर हमारे एक साथी नीरज अभी काम कर रहे हैं, और देखते हैं कि ये हमारी तीसरी लैब का नज़ारा है और देखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं अभी रात के 12:00, ऐसा क्या वो ढूंढने में लगे हुए हैं। तो कुछ आइंस्टाइन क्लॉक लिखा हुआ आ रहा है, सर जी बताइए क्या आप आइंस्टाइन क्लॉक का क्या करने वाले हो? हम लोग एक ऐसी घड़ी बनाने वाले हैं जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां बराबर हो तो तब हम क्या टाइम बता पाएंगे, और कितनी बार ऐसा हो कि हम लोग टाइम नहीं बता पाएंगे। और अब मैं इसी लैब के फ्लोर पे जियोडेसिक बॉल, 2 फ्रीक्वेंसी जियोडेसिक बॉल बनाने का काम शुरू करने वाले हैं। सो अब हम 60 ऐसी वाइट कलर की आइसक्रीम की डंडियों के साथ में तैयार हैं, और ऐसी ही 60 कलर करी हुई ब्लैक कलर में आइसक्रीम की डंडियां हमने, तो टोटल हमारे पास में 120 आइसक्रीम की डंडियां पड़ी हुई है, और साथ में हमारे पास में कॉपर वायर है जिसकी मदद से हम आज एक बहुत ही सुंदर बॉल बनाने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि विज्ञान और गणित हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। I'm just trying to create a sound with the help of this piece of paper, a newspaper and a comb.